नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। साथ ही आप सभी को 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं पहुँचे। ईश्वर आप सभी की जो है मंगल इच्छाएं पूरी करें। तो इसी के साथ हम लोग जो है 6 अंक वाला सवाल देखेंगे, जो यूपी बोर्ड एग्जाम में 3 सालों से पूछा जा रहा है, 2019, 2020, 2022 से। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर है 1/3 बीसी के। तो सिद्ध करना है कि 9AD का स्क्वायर बराबर है 7AB के स्क्वायर के। सबसे पहले हम लोग जो है ये जो कह रहा है वो त्रिभुज बनाते हैं। तो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है। एक समबाहु त्रिभुज का मतलब कि ऐसा त्रिभुज जिसकी जो है तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। तो हमने जो है एक समबाहु त्रिभुज बना दिया है, मान के चले गए समबाहु त्रिभुज है। इसके जो है तीनों भुजाएं जो है क्या है, बराबर है। मान लीजिए कि ए है, ए है, ए है, ठीक है। अब कह रहा है कि ए बी सी, एक ये त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। कह रहा है कि बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बी डी, बी डी जो है क्या है 1/2 बी सी है। बी डी जो है 1/3 बी सी के है। बी डी 1/3 बी सी के है, ठीक है। तो सब मिला के जो है बी डी इस पर जो है क्या है, ऐसा बिंदु है जो इसके 1/3 भाग में स्थित है। बी डी, बी डी जो है क्या है, एक ऐसा बिंदु है, मैंने डी मान लीजिए ए से हम इस पर डी बिंदु खींच रहे हैं, और यह डी बिंदु जो है क्या है, यह 1/3 है बी सी के। बी सी के क्या है, 1/3 है, ये डी बिंदु है, मैंने बी सी का 1/3 भाग पर ये स्थित है। ठीक है, तो क्या बोले, हाँ डी जो है क्या है 1/3 बी सी का है। बी सी का 1/3 है डी टोटल का, ठीक है। तो हम लोग को सिद्ध करना है कि बी डी बराबर 9AD का स्क्वायर बराबर है 7AB के स्क्वायर के। तो इसके लिए बस एगो हम लोग जो है यहाँ पे जो है रचना कर लेते हैं, इसके एकदम जो है इसको इसके मध्य बिंदु पर लाते हैं इसको, ठीक है। रचना से आसान से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है कोई भी बिंदु ई ले लेते हैं इसको, ठीक है, यहाँ पे ई ले लेते हैं इसको, ई ले लीजिए चाहे इसको यम ले लीजिए, ठीक है। यम ले लेते हैं, क्योंकि यम जो है यम सही रहेगा, क्योंकि इसी पे प्रैक्टिस है इस सवाल का, ठीक है। तो यम यहाँ पे ले लेते हैं। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इसको जो है सॉल्व कैसे करेंगे, कैसे सिद्ध करेंगे कि 9AD का वर्ग बराबर है 7AB के वर्ग के, 7AB के वर्ग के, ठीक है। तो देखिए हमने जो है क्या किया है, ए से जो है ए एम लंब खींचा है, ये 90 डिग्री का है, ठीक है। तो हम लोग जो है क्या करना है कि ए डी का वर्ग, देखिए ये जो है समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ए डी एम जो है क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगा देना है, और डी एम निकाल लेना है, और जो है क्या निकाल लेना, ए एम निकाल लेना है, ठीक है। तो ए एम देखिए माध्यिका है, लंब है, और चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है ना, तो माध्यिका समबाहु त्रिभुज में जो है क्या होता है, तो ये माध्यिका जो है इसका लंब समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होती है यानी कि लंब होती है उसका जो है मान क्या होता है, तो √3/2 ए का √3/2 ए होता है, √3/2 ए होता है, ठीक है ना। ये माध्यिका का मान, ये जो है आप लोग को याद रखना पड़ेगा कि समबाहु त्रिभुज का जो माध्यिका होता है वह √3/2 ए होता है, ठीक है। और उसके बाद से जो है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये जो है बी डी का मान दिया हुआ है, बी और डी का मान दिया हुआ है, तो हम लोग आराम से जो है बी डी का मान दिया है तो डी एम भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो देखिए हम लोग डी एम को निकाल लेते हैं, डी एम निकल जाएगा तो आराम से हम लोग का जो है ये सवाल पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो भी दिया है उसको जो है निकाल लेते हैं, लिख लेते हैं। तो हल में जो है यहाँ पे जो दिया है उसको लिख लेते हैं। तो दिया है हम लोगों को कि ए बी जो है क्या है, मान चूंकि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, ए त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु है, समबाहु
त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो इसलिए ए बी बराबर होगा, ए बी बराबर भी ए हमने मान लिया है, ए सी बराबर भी हमने जो है ए मान लिया है, और बी सी बराबर भी हमने जो है क्या मान लिया है, ए मान लिया है, ठीक है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में ये होगा। अब जो हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिया गया है, ये भी दिया गया है कि बी डी जो है किसके बराबर है, तो 1/3 बी सी के बराबर है, ठीक है। तो बी डी हम लोगों को पता चल गया कि बी डी जो है कितना है, तो 1/3 बी सी के बराबर है, और बी सी को हमने जो है क्या माना है, तो ए के बराबर माना है, तो 1/3 ए हो जाएगा किसके बराबर, बी डी के बराबर, बी डी बराबर हो गया 1/3 ए, ठीक है। ए में इसलिए हमने कन्वर्ट किया है कि सबको जो है ए में ला रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग जो है यहाँ पे अगर बी डी का मान निकल गया तो आराम से जो है डी एम का मान निकाल सकते हैं, तो डी एम बराबर जो है क्या हो जाएगा, तो डी एम बराबर आप देख सकते हैं कि डी एम बराबर बी एम से जो है, बी एम में से बी एम, अब देखिए चूंकि बी एम जो है क्या होगा, बी एम बराबर हो जाएगा, बी एम बराबर हो जाएगा 1/2, अब 1/2 होगा किसके, बी सी के, बी सी के 1/2 होगा, बी सी का 1/2 होगा ना बी एम, क्योंकि ये माध्यिका खींची गई है। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे रचना में जो है ए डी जो है ए डी ए ए एम, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग कि ए एम माध्यिका है, ए एम क्या है, माध्यिका है, रचना में लिख देंगे ये, रचना से ए एम जो है क्या है, माध्यिका खींचा गया है, और माध्यिका जो है क्या होगी, बी सी को मध्य में विभाजित करेगी, तो बी सी डी एम बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 बी सी के, अब बी सी का मतलब कि ए, तो ए लिख देंगे 1/2 ए के, तो अब हम लोग आराम से डी एम निकल जाएगा, तो डी एम जो है बराबर हम लोग लिख सकते हैं बी एम माइनस बी डी, बी एम माइनस बी डी, डी एम बराबर क्या हो जाएगा, बी एम में से जो है क्या कर देंगे, बी डी घटा देंगे, ठीक है, बी एम में से बी डी घटा देंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि बी एम का मान भी हम लोग निकाल चुके हैं, तो बी एम का मान क्या है, 1/2 ए, और माइनस में बी डी का मान क्या है, तो बी डी का मान देखिए जो है दिया हुआ है, बी डी का मान है क्या निकाले हैं हम लोग, 1/3 ए, 1/3 ए निकाले हैं हम लोग पहले से ही, तो अब आराम से इसमें मान भर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस में ये हो जाएगा 1/3 हो गया। अब हम लोग इसको 6 लिख सकते हैं, 2 और 3 का लॉस 6 हो जाएगा, अब जो है क्या करेंगे, तो 2 और 3 का लॉस 6 हो गया, 2 3 6 यहाँ पे 3 ए हो जाएगा, माइनस में 3 2 6 तो 2 ए हो जाएगा, तो सब मिला के क्या हो जाएगा, 3 ए में से 2 ए घट जाएगा, तो 1/6 हो जाएगा, 1/6 हो गया इसका मान, किसका मान, तो डी एम का मान हो गया 1/6, ठीक है, तो डी एम का भी मान निकल गया और ए एम का भी मान निकल गया, तो आराम से हम लोग ए डी का बढ़ करके इसका मान निकाल सकते हैं, यानी कि अब इसको जो है सॉल्व करेंगे तो आराम से हम लोग का ये वाला संबंध प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब हम लोग लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए एम डी में, ए एम डी में, समकोण त्रिभुज ए एम डी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकाल सकते हैं कि ए डी का वर्ग बराबर है, ए डी का वर्ग बराबर है किसके, तो ए एम का वर्ग, ए एम का वर्ग अधन में डी एम के वर्ग के, ठीक है। अब ए एम का मान कितना निकला हुआ है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए एम का मान हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ए एम का मान जो है ज्ञात होता है, अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसका माध्यिका √3/2a होता है, तो ए एम को हम लोग लिख सकते हैं √3/2a, ठीक है, और इसका वर्ग कर देंगे,
धन में डीएम, तो डीएम अभी निकाले हम लोग ए बटे छ, और इसका भी वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, तो अंडर रूट थ्री ए माने अंडर रूट थ्री का वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और ए का वर्ग करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, बट्टे में जो है 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा। अब चूंकि ए जो है ऐसे गुणा में ही रहेगा, ठीक है ना, और प्लस में जो है ए का वर्ग करेंगे और बट्टे में 6 करेंगे, नहीं 6 का ए का वर्ग होगा तो ए स्क्वायर, और 6 का वर्ग होगा तो 6 छक्के 36 हो जाएगा। अब बट्टे में जो हम लोग 36 इसका जो है लॉस ले लेंगे तो 4 9 36 और 9 3 27 हो जाएगा, भिन्न के जोड़ के तरह से करेंगे भाई, इससे इसमें भाग देंगे जो आएगा इसमें गुणा कर देते हैं, तो 4 से 36 में भाग देंगे तो 4 9 36 9 हो जाएगा, और 9 का 3 में गुणा करेंगे 9 3 27 ए का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में 36 का 36 में भाग देंगे 1 होगा तो यहाँ पे ए स्क्वायर ही आएगा। अब 27 1 28 जो है आपका ए स्क्वायर हो जाएगा, अब बट्टे में हो जाएगा 36। अब इसको हम लोग काट सकते हैं, 4 से 4 7 28 और 4 9 36, तो ये हो गया आपका 7 1 का स्क्वायर बट्टे में 9। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग का आ रहा था ए डी का स्क्वायर, भाई ए डी का स्क्वायर ही तो निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे देख सकते हैं, तो ए डी स्क्वायर बराबर 7 1 का स्क्वायर बट्टे 9, हम 9 का इधर क्रॉस गुणा करा देंगे तो 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 A का स्क्वायर। अब चूंकि हम लोग को चाहिए 9 AD का स्क्वायर अब बराबर में 7 7 AB का वर्ग, तो हम लोग मान रखे हैं कि ए स्क्वायर किसके बराबर है, ए बी के बराबर है, तो ए बी का वर्ग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि ए जो है ए बी और बी सी और ए सी के बराबर है। ठीक है, तो इस प्रकार यही जो है सिद्ध करना था। ठीक है, यह सिद्ध हो गया हमारा बहुत ही छोटे से आसानी से, इति सिद्ध। ठीक है, तो आई होप ये सवाल आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में 100% पूछेगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, इसको अपने कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी इम्पोर्टेंट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।